Hi Varies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click the notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Okay, we are doing BBQ Wines ka khush khabri. BB ka chota bhai. Okay. टाइटल से ही मुझे थोड़ा डर लग रहा है करने में क्योंकि क्या भी 4 मिनट का वीडियो है और क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है. ऑब्वियसली नहीं पता है, पता होता तो मैं रख ही क्यों करती. बट ओके, देख लेते हैं. वी डोंट नो बट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, राइट? तो देख लेते हैं. होपफुली वील एन्जॉय लाइक ऑलवेज एंड लेट्स गेट इट. ओके, फाइन. प्ले रॉक पेपर सीजर. मामा हर बार कैसे जी जाते हो? अरे बेटा, मैं सामने वाले की चाल पहले से भाप लेता हूँ. वो क्या करने वाला है मुझे पहले से पता होता है. क्या पता होता है? कैसे सीखा? अनुभव, धैर्य और निष्ठा से. ये तीनों कहाँ पढ़ाते हैं? ये मेरी मौसी के बच्चे नहीं है. कहाँ पढ़ाते हैं? अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, धैर्य मतलब पेशेंस और निष्ठा मतलब फेथ एंड डिवोशन. मुझ में तीनों है. कैसे? लड़कियों से रिजेक्शन मिलने का अनुभव है, बार बार रिजेक्शन फेस करने का धैर्य भी है, लेकिन फिर भी डटे रहने की निष्ठा है. अबे तेरी सुई घूम फिर के लड़कियों पे क्यों आती है? अबे लड़कियां हैं तो जिंदगी है. हां, ऑक्सीजन को चाहिए होती है. भुवन बेटा आजा आजा, मैं मम्मी को जरा डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ. क्या हुआ? उल्टी हो रही है. अरे माता थर गई होगी, मैं सीधा कर देता हूँ. अच्छा, उल्टी मतलब उल्टी नहीं वाली उल्टी. मम्मी क्या हुआ? कुछ फालतू खा लिया क्या? हाथ की सब्जी खाई थी क्या? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा बेटा, चक्कर आ रहे हैं. एक्सक्रीशन की वजह से होगा. एक्सर्शन होता है, एक्सक्रीशन मतलब. अगर डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो भी होता है. एक्सक्रीशन, यू नो इट. आई एम इनटू, आई मीन नॉट इनटू बट आई एंजॉय पूप जोक्स. बड़ी खराब आदत है. लोग होते हैं ना जो खाने के टेबल पर बैठ के ऐसी गंदी बात करते हैं, वो मैं हूँ. लोगों को ये प्लीज़ खाते समय ऐसी बात मत करो. दैट्स काइंड ऑफ पर्सन आई एम. कि लोगों का ऐसा रिएक्शन देख के ज़्यादा मजा आता है ऐसा करने के लिए. दिस इज़ अ वेरी TMI. ओके, TMI मतलब होता है टू मच इन्फॉर्मेशन. कि मैं जब छोटे थे ना तो मैंने आई हैड रिटन अ पोएम ऑन इट. और बहुत ही ख़राब पॉटी पोएम थी. ओके, मैंने, मुझे याद भी नहीं अभी तो, लेकिन हाँ एक टाइम था जब मैं पोएम्स लिखती थी. एंड दे वर रियली गुड, टू बी ऑनेस्ट. लाइक दे वर गुड. सब ने आजू बाजू मुझे बोला था मैं अच्छी पोएम्स लिखती हूँ, लेकिन ये वाली किसी को नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि दिखाने लायक थी भी नहीं. पर ये नाम से मुझे एकदम से पता नहीं क्यों आज याद आया, बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन इस बात के बारे में फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ आई नो, ओ माय गॉड, मैंने इसके बारे में एक कविता लिखी थी. कविता? ओके. Okay, let's go. Let's go again. But I think start the bahut acha hai. I'm already enjoying it. Ek baar fir se dekh lete hain from the very beginning. I don't know. I feel like I missed out on something. Ya fir mujhe kuch bolna tha kisi cheez ke bare mein jo aaya tha, main bhool gayi hu abhi. So let's just watch it from the very beginning. Just be ek minute bhi nahi guzra hai. So I hope you don't mind. Play. Right, rock paper scissors. Par mujhe dono ne do baar same hi cheez ki. मामा हर बार कैसे जी जाते हो? अरे बेटा, मैं सामने वाले की चाल पहले से भाप लेता हूँ. वो क्या करने वाला है मुझे पहले से पता होता है. क्या पता होता है? कैसे सीखा? अनुभव, धैर्य और निष्ठा से. ये तीनों कहाँ पढ़ाते हैं? ये मेरी मौसी के बच्चे नहीं है. कहाँ पढ़ाते हैं? अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, धैर्य मतलब पेशेंस और निष्ठा मतलब फेथ एंड डिवोशन. मुझ में तीनों है. कैसे? लड़कियों से रिजेक्शन मिलने का अनुभव है, बार बार रिजेक्शन फेस करने का धैर्य भी है, लेकिन फिर भी डटे रहने की निष्ठा है. अबे तेरी सुई घूम फिर के लड़कियों पे क्यों आती है? अबे लड़कियां हैं तो जिंदगी है. हां, ऑक्सीजन बताओ कैसी हो रही है? मैंने पलट के नहीं दीदी, चलो अस्पताल. मैं ठीक हो जाऊंगी पैरासीटामोल खा के. हर बीमारी का इलाज पैरासीटामोल नहीं होता मम्मी. और नहीं तो क्या, क्रोसिन ले लो.
मुन्ना भाई डॉक्टर अपने पास रखो मुन्ना भाई मुझे नहीं जाना वो डॉक्टर फालतू के पैसे ले लेगा दीदी मैं जहाँ ले जाऊंगा वहाँ कोई पैसे नहीं लेगा मुझे भी अपनी गर्दन दिखानी है पेट क्लिनिक नहीं जाना आराम से आराम से अंकल आप और आंटी शिमला से कब आए अभी पिछले हफ्ते ही आए अरे ये दो तीन चीजें जान के तुम सीधा वही निशान लगा रहे हो भाई बूमरैंग है क्या सीधा सीधा बोलना मुझे लगता है आप फिर से मामा बनने वाले हो क्या सोच समझ के बोल तेरा दिमाग तो ठीक है मुझे लगता है क्योंकि कुछ उल्टा सीधा खाया नहीं फिर भी पेट दर्द चक्कर आना और ऊपर से शिमला गए थे बैच बेटा छुचुंदर की बात में दम तो है शिमला के हर रोड पे लाना रोड्स के ही ख्याल आते हैं Who's that? मामा इस एज में बेटा इसी उम्र में तो सुलवा दिया आने वाली नवरात्रि अरे वाह गरबा की तैयारी चल रही है डांडिया कहाँ है तुम्हारे पास क्या कैसा रहा oh, no. अच्छा था बारिश हो रही थी बहुत घूमने गए थे या कमरे में ही थे बारिश थी तो कमरे में ही थे क्या किया कुछ नहीं बस पकोड़े खाए आदमी बारिश में कब तक पकोड़े खाएगा मतलब आपने वहाँ पे सैर करी थोड़ी बहुत और क्या बोला वहाँ ऐसा क्या हुआ जो दीदी को उल्टियाँ हो रही हैं यार मौसम ही ऐसा था और वो पहाड़ी रास्ता भी है तो ब्लूज मोशन सिकनेस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बहन तुम्हें भी अरे पागल तुझे हो गया दिमाग खराब है क्या तुम्हारा चिल्लाओ मत चिल्लाते वही है जिनके मन में चोर होता है ठीक कभी नहीं सोचा था इस घर में ऐसा डिस्कशन होगा तो करो ना ठीक है फिर अस्पताल लेके चलते हैं चलो अरे क्या जरूरत है जाने की दवाई से भी तो ठीक हो सकती है चोर की दाढ़ी में तिनका पेट फुला दिया मेरी बहन का अरे गुणवती है तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से गर्भवती हो गई है बेटा हम हिल स्टेशन गए थे वहीं तो हिलते हैं लोग आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि मेरा छोटा भाई नहीं आने वाला क्योंकि नहीं आएगा अरे यार इस उम्र में वो सब शोभा देता है क्या आनंद तो देता है अभी देखी थी बधाई हो आई कांट बिलीव रियल लाइफ हो रहा है तू मेरे से चाटा खा लेगा सिलेंडर तुमसे उठता नहीं स्टैमिना का बहाना देते हैं सिलेंडर उठता नहीं ये सब बातें कर रहे हो मेरे जोड़ों में दर्द है होना चाहिए था अरे सुनो आ रहा हूँ क्या तुम बहुत चीजें काटनी पड़ेगी मामा बेटा सच कह रहा तेरा बाप कुछ नहीं माना आपको कैसे पता मैं मन पढ़ लेता हूँ क्या बोला था मैंने अनुभव निष्ठा और धैर्य तेरा बाप सच कह रहा है और मैं अपनी दीदी को जानता हूँ कुछ नहीं है तेरा बाप ही गड़बड़ है पापा भोले हैं बेटा इतिहास गवाह है भोले लोगों ने सबसे ज्यादा नारे खोले मम्मी चिल्ला रही है चलो स्टोन पेपर से खेलते स्टोन मैच पेपर पोंगल ओह माय गॉड ये वीडियो तो नहीं जाने वाली है मुझे डर लग रहा है अभी तो नाउ सी आई वाज सो स्कैर्ड कि मैं करूँ ना करूँ बट रिकमेंडेशन था तो फिर एक बार देख ही लेते हैं कितना भी काटूंगी ना ये वीडियो तो यूट्यूब ऐसे है मेरी और व्हाट इज दिस जी आई मीन इन द बधाई एज वेल ना स्टार्ट में जो भी क्या मीन व्हाट डू यू थिंक जस्ट बिकॉज यू डू थिंग्स दैट योर पेरेंट्स कांट डू थिंग्स आई डोंट नो ये तो आई थिंक ये चीज़ बहुत समझाने लायक या फिर ये बहुत डिस्कशन करने लायक चीज़ है एज टू व्हाई कांट यू बी ओके विथ इट ऑफकोर्स तुम्हारे सामने कोई नहीं करने वाला तुम्हारे सामने कोई बोलने नहीं वाला उसके बारे में और बात नहीं करना है अनकम्फर्टेबल तो बात मत करो बट दैट डजेंट मीन दे डोंट हैव अ लाइफ टू लिव इतना तो दिमाग चलाओ अपना कि तुम्हारी लाइफ नहीं है तुम ही इंजॉय नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ में आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस उनकी भी लाइफ है दे नीड टू लिव एज पर दे वॉन्ट और जहाँ तक उनको उनकी लाइफ जीनी है इट्स अप टू देम तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उनको कुछ भी बोलने का ये मत करो फलाना मत करो दिखाना मत करो देयर लाइफ इवन इन बताई हुआ आई थिंक द इन द बिगिनिंग जो आयुष्मान सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम तो मैं सोच रही थी उनका नाम क्या था आयुष्मान कैरेक्टर वॉज वेरी टॉक्सिक टूवर्ड्स द होल सिचुएशन एंड एवरी थिंग एंड देन ऑफकोर्स आनिया आई डोंट नो कि उनका कैरेक्टर का नाम क्या था उनमें एक्सप्लेन्स अस टू हाउ व्हाई आर यू सो you know, being toxic about it. Well said. And a very good movie actually. A very good movie. I don't know agar usse inspired hai ye ya fir us time around aaya tha ye. Mujhe nahi pata because ek purana video hi hoga of course. Yeah, I mean, I don't know. Jo bhi hai. But, I mean, zaruri nahi hai. Motion sickness bhi ho sakti hai. जैसे दो तीन चीज़ें बस हो रही है सब लगा लो एक बिकॉज आई थिंक दिस इज ये बॉलीवुड का प्रकोप है ये बॉलीवुड में दिखाते हैं ना ऐसे दो तीन सब सिम्टम्स आ जाए बस लगता है ये माँ बनने वाली है
फिर प्रोसेशन स्टार्स एंड एवरीथिंग. आई थिंक ये बॉलीवुड सबसे ज़्यादा दिखाते हैं, उसकी वजह से हमारे दिमाग पर असर पड़ता है कि नहीं इसकी वजह से ऐसा कुछ होना चाहिए. वी हैव नो आइडिया इन जनरल. अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस माइट बी अ फॉल्स रिपोर्ट. इवन आफ्टर टेस्टिंग देर माइट बी अ फॉल्स रिपोर्ट. आई कैन से दिस बिकॉज आई एम अ जेनेटिक इनफर्टिलिटी थीसिस राइटर. मेरी थीसिस जेनेटिक इनफर्टिलिटी पे है. सो आई नो अबाउट द फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी. मैंने बहुत पढ़ाई की उसके बारे में, मेरी मास्टर की थीसिस उस पर थी, तो आई नो दैट फॉर श्योर. बट या आई मीन दिस वॉज फन टू वॉच. सिर्फ मुझे जो हटाना पड़ेगा वो हटाएंगे एंड दैट्स ऑल आई कैन से. होपफुली तो भी अपलोड हो जाए कुछ भी करके. आई डू माई बेस्ट, लेकिन होपफुली अपलोड हो जाए सो दैट यू कैन ऑल्सो एन्जॉय, बिकॉज मुझे तो मज़ा आया. होप यू डू एज वेल एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. लव यू.